आपसे जानना चाहूंगी, गेस्ट इन लंदन क्या है एग्जैक्टली? ये गेस्ट इन लंदन, ये गेस्ट है जो लंदन आया है ओके हमारे घर, हमें बर्बाद करने मेहमान है जो लंदन। आई थिंक गेस्ट इन लंदन के बारे में तो आपने ट्रेलर देख के जान ही लिया होगा कि गेस्ट आ गया और परेशान कर रहे हैं और लाइफ ख़राब कर दी है सबकी। एंड यार छोटी छोटी चीज़ें हमारी यूज़ करते जा रहे हैं, हमारे लाइफ को हेल बना दिया। तो इतने आसान इतने अच्छे मेहमान नहीं आए, थोड़े से परेशान करने वाले मेहमान आए हैं, तो विच इज़ नॉट नाइस। वी आर नॉट इन्जॉइंग द फैक्ट दैट मेहमान आर इन आवर हाउस एंड उनको भगाने के तरीके ढूंढ रहे कैसे भगा सकते हैं। सो या दैट्स द फिल्म। तो आप दोनों के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी, लाइक किस तरह का कैरेक्टर आप दोनों प्ले कर रहे हैं? आप बताएंगे कैरेक्टर? बताइए आप अपना। मैं मेरा कैरेक्टर बताता हूँ आपको। मेरे कैरेक्टर का नाम है आर्यन। स्वीट सा, लवेबल सा, क्यूट सा, हैंडसम था, बहुत ही प्यारा एज यूजुअल। मेरी पर्सनालिटी को मैच कर रहा है। ओके सो नॉट एग्जैक्टली, एक्सक्यूज मी, बहुत देर बाद है, लेकिन सो या जोक्स अपार्ट बेसिकली इज अ स्वीट गाय। जोक्स अपार्ट बट ही वाज वेरी सीरियस अबाउट एवरीथिंग ही सेड। नशीली टाइप्स। सो तो बेसिकली ये कैरेक्टर ऐसा सा है कि वो कुछ ज्यादा बोल नहीं पाता, जब भी कुछ परेशानी भी हो जाए तो वो सॉल्व कर देता है, ट्राई करता है। जैसे कि जेन्युइनली काफ़ी लोग होते हैं हमारी लाइफ में, कि तो इसकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं एंड सडनली एक परेशानी से दूसरी परेशानी और फिर उस परेशानियों के बीच में इसके घर पे मेहमान आ जाते हैं जिनको ये जानता भी नहीं है, दूर दूर से शायद से बचपन में कभी देखा होगा वैसा मेहमान है। और एंड फिर भी हम लोग क्योंकि इंडियंस हैं, थोड़ा कल्चर वैसा है कि हम लोग चलो ठीक है बहुत दूर से आए हैं, लंदन आए हैं तो रख लेते हैं, कुछ दिन बाद चले जाएंगे। सो तो ऐसे में अब जाने नहीं दे सकते ना किसी को, रोड पे छोड़ दिया या ये सब। तो वैसा सा कैरेक्टर है जो थोड़ा सा सोचता है दूसरों के बारे में थोड़ा सा, एंड डीप डाउन परेशानियां चलती हैं लेकिन फिर भी वो सोचता है कि कभी सॉल्व हो जाएंगी। तो या वो दैट्स आर्यन फॉर यू। आई प्ले अनाया पटेल, शी इज़ अ गुजराती गर्ल सेटल्ड इन लंदन, टैक्सी ड्राइवर है और शी इज़ अ वेरी फ्री स्पिरिटेड काइंड ऑफ गर्ल, वेरी इंडिपेंडेंट। उसने थोड़ी सीरियस है लाइफ में इन हर ओन वे बट वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड, वो अपने से ऊपर किसी चीज़ को नहीं समझती, शी थिंक्स दैट शी इज़ एवरीथिंग एंड या दैट्स बेसिकली द कैरेक्टर आई एम प्लेइंग। सो हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर यू टू मेक, जैसे हमने देखा कि प्रीवियसली तेलुगु मूवी एंड ऑल में, तो वो एक्सेंट कैसे किसे खुद को तैयार किया? गुजराती एक्सेंट कहीं ना कहीं तो यूज़ किया ही होगा आपने। उतना ज़्यादा नहीं मैं ऐसे ही बोलूँ, क्योंकि शी इज़ अ गर्ल बेस्ड इन लंदन, शी स्पीक्स मोस्टली इन इंग्लिश, तो वो उसका कैरेक्टर वैसा है। प्लस आई डोंट थिंक इट वॉज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वी हैड परेश सर ऑन सेट एंड ऑल्सो बिकॉज आई वर्क विद द भट्स बिफोर एंड दे आर गुजराती, सो आई काइंड ऑफ न्यू हाउ दे मेक कॉन्वर्जेशन, लाइक फैमिली के बीच में कैसे कॉन्वर्जेशन होती हैं। तो और वैसे कुछ हिंट्स वगैरह चाहिए होते थे तो अश्विनी सर यूज़ टू टेल मी कि आप एक बार परेश सर से पूछ लो। तो आई थिंक वो रोल रिवर्सल हो गया था क्योंकि वो पंजाबी प्ले कर रहे हैं और मैं गुजराती इन द मूवी, तो मुझे पंजाबन बुलाते थे, मैं उनको ऑब्वियसली सर ही बुलाती थी, बट या दैट वाज वेरी हेल्पफुल ऑन सेट। आपने कैसे खुद को तैयार किया? मेरे को एक क्या है, मेरे को परेशान आत्मा प्ले करना था, वो मैं शुरू से ही हूँ तो इसके चेहरे को देख के लगता ना हाय बेचारा। हाँ तो वही, हाँ देखिए ना जैसा कि आपने कहा ये क्या सा? इसके बीच में क्या फ्लॉटिंग चल रही है? तो शर्म में ऐसी बातें कर रहे हैं तो ये सब होनी चाहिए बीच इंटरव्यू में। देखो आप एंटरटेन, मुझे ये नहीं समझ आता कार्तिक को एंटरटेन करने के लिए इतने सारे लोग हैं, मुझे कोई एंटरटेन नहीं कर रहा। अरे ये परेश जी है ना यहाँ पे। बट एक्चुअली ऑन अ सीरियस नोट कि ये कैरेक्टर बहुत क्लोज है जैसा मैं हूँ उससे एंड तो इस तरीके का कुछ वो नया नया अभी लंदन में भी जैसे उसका कुछ चीज़ें चल रही हैं, प्रॉब्लम्स हैं एंड
आई डोंट नो हाउ टू स्पेसिफाई दोज प्रॉब्लम्स, बट द थिंग इज कि इतना प्रिपरेशन मेरा मोस्टली प्रिपरेशन ये था कि मेरे रिएक्शंस बहुत थे इस फिल्म में, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम परेश जी कुछ बोल रहे थे उनको रिएक्ट करना बहुत ज़रूरी था, एंड तभी वो कॉमिक कॉमेडी आती बाहर, एंड दैट्स समथिंग जो इस फिल्म में बहुत ज़्यादा मैंने किया. अदरवाइज मैं काफ़ी फिल्म में बहुत बोलता हूँ, इसमें कम बोला. एंड या आई थिंक सो जैसे आपने कहा कि रिएक्शन, तो क्या आपने फिर ऐसे क्या 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 जैसे हाँ वो नहीं करना था मेरे को. वो ही मैंने प्रिपेयर किया कि ये ना हो कि मैं बार बार क्या 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 ये किया मैंने अभी, तो वो चीज़ें मैंने सोचा था कि ना हो, एंड नॉर्मल थोड़ा सा रियलिटी में जैसे हम लोग करते हैं एक्ट, वैसे जितना क्लोज टू रियलिटी रख पाऊँ इस कैरेक्टर को उतना मैंने रखने की कोशिश की. अब दोनों एक दूसरे से क्या सीखा, एक दूसरे को देखना. गिर गई है तो नहीं एक दूसरे से क्या. आई थिंक बिकॉज ही इज हाँ ये बहुत हार्ड वर्किंग है कार्तिक. कार्तिक की कॉमेडी टाइमिंग तो इम्पेकेबल है, तो दैट इज समथिंग ही रियली टॉट मी. एक सेकंड मुझे उसकी आवाज़ भी सुनाई दी. क्या बोल रहा वो बोलती रहे नहीं मैं क्या मेरे को एकदम से वो बोलने लगी ना तो तेरा समझ नहीं आ रहा था. तो वो हार्ड वर्किंग है, उनका कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छा है, ही मेक्स गुड लॉय बहुत पंक्चुअल है, ही मेक्स गुड लुकिंग लाइक इन अंडरस्टेटमेंट और बहुत नेचुरल है. आई मीन इनका पर्सोना और ऑरा सब कुछ. नो ऑनेस्टली अन्ना ही इज वेरी स्टाइलिश, ही इज एक्सट्रीमली स्टाइलिश. तो इनफैक्ट इन्होंने आई फील लाइक ही इज वेरी कम्पेटिटिव दैट वे, वेरी हेल्दी इन अ हेल्दी वे ही इज वेरी कम्पेटिटिव एंड ही मेक्स श्योर दैट ही डज हिज बेस्ट. और थक गई होगी, बहुत तारीफ करनी थी मोनोलॉग बोल दिया मैंने इधर इनकी तारीफ में. अभी मैं इनके बारे में क्या बोलूं, जो जो चीजें उन्होंने मेरे बारे में बोली मैं मानता हूं. या सेम टू सेम है, तुम मानते हो कि तुम वो हो या तुम मानते हो कि मैं मानता हूं कि मैं वैसा हूं. जितने भी वर्ड्स इन्होंने सोचे थे वो तो इनने आपको बता दिए. हां बस आपको डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स नहीं, इनको डिस्क्राइब करने के लिए एक्चुअली में वर्ड्स नहीं, बिकॉज़ ये इतनी अच्छी है. एंड क्या हुआ, कभी जिंदगी में तारीफ नहीं करी है इसने मेरी, क्या हो रहा है आज. सुनने से पहले मेरे कान और खुल क्यों नहीं गए, और खुल क्यों नहीं गया. तो नहीं ये बहुत, और एज अ को एक्टर भी काफ़ी मतलब काम करने में मज़ा आता है कि इनके साथ सीन करूं या इस सीन में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, वो सोचने का मन होता है कई बार को एक्टर्स के साथ. तो वो चीज़ एक काफ़ी कृति के साथ मेरा ऐसा रेपो है. एंड या ऑब्वियसली एज एन एक्टर, क्योंकि ये भी यहाँ पे नया स्टार्ट है शुरुआत से, तो थोड़ा मतलब बॉलीवुड में एंड तो काफ़ी हार्डवर्किंग ये खुद भी हैं एंड काम को बहुत सीरियसली लेते हैं, तो विच इज़ वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ अस. कि एज अ हाँ सो शी इज़ गुड लुकिंग ऑल्सो, वेरी हैंडसम, वेरी हैंडसम एंड वेरी हैंडसम एंड वेरी आई डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब, आई टोल्ड यू सो हर हैंडसमनेस या टपक टपक के मतलब कूट कूट के भरी हुई हैंडसमनेस. तो नहीं बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत प्रिटी है. एंड आई एम ग्लैड कि ये मेरी को एक्टर है. आपने इनको तेलुगु सिखाई क्या? मैंने एक दो एक बार आई नहीं, इसने एक बार मुझे बोलते हुए सुना था सेट पे, तब हम उतने क्लोज नहीं थे, मैं पीछे बात कर रही थी और चल के जाता इतनी जोर जोर से कोई हंसने की आवाज़ नहीं, मुझे लगा कोई गाली दे रहा फोन पे. अरे वो आई वाज टॉकिंग टू माय प्रोड्यूसर, आई वाज टॉकिंग वेरी नाइसली एंड दिस फेलो स्टार्ट्स लाफिंग. इसको हेलो यार दे अनुम दो ना, दैट्स हाउ इट टॉक्स. सही हो रहा था, यही हो रहा था, और ये तो मैंने बहुत सटल तरीके से गा के सुना है. वो तो एकदम ऐसे ऐसे ही बोली थी कि लगा कि अरे मेरे को सब समझ आ रहा है. नहीं इसके एनकाउंटर्स हुए मेरे साथ. अच्छा मैं देखो एक सेंटेंस बोलूंगी, यू हैव टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. मी चाला बाउंड है. आप बड़े खूबसूरत हो. तुम बहुत अच्छे हो. तुमने बोला कोई इशारा दिया? अरे इसको क्या सब आता है? कोई भरोसा नहीं है. इसको तेलुगु भी आती है, तमिल भी आती है, सब आता है. ओके लास्टली मैं जानना चाहूंगी कि लाइक कभी रियल लाइफ में आपके लाइफ में कभी गेस्ट आया तो आपने उनको किस तरह से बुलाया? गेस्ट आए मैंने तो यही वाला किया था, ये पानी वाला किया था कि एक्चुअली मैं बाथरूम नहीं चल रहा था और मेरे वॉशरूम में से बहुत प्यार था मेरे एक गेस्ट को,
मैं बोल दिया था कि इस बार पानी, यार पानी की बहुत प्रॉब्लम्स है, तो आने से पहले ही बता दिया था उनको कि वॉशरूम्स वगैरह सब नहीं चल रहे हैं, अब उन क्या कर सकते हैं, और गेस्ट और आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी मतलब सबको, तो वो खुद ही सोच लिए कि चलो नहीं आते यार। मेरा अनफॉर्चुनेटली मैं भगा नहीं पाई थी, इट वॉज वेरी सिंपल कि अगर कोई दो तीन घंटे के लिए, जैसे वो शाम की चाय टाइप लोग आ जाते हैं और मेरे को पसंद है उनके साथ बैठ के गॉसिप करना, तो मैं ऊपर जाके बैठ जाती हूँ अपने घर में, लाइक दो घंटे उधर बिता लिए समहाउ, दैट्स गुड, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई जस्ट सफर्ड देयर एग्जिस्टेंस, लाइक वो रहेंगे जब तक उन्होंने डिसाइड करा है वो रहेंगे। मॉम कहती थी डोंट बिहेव बैडली, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास चॉइस नहीं होता था, और जब से मैं बॉम्बे आई हूँ, आई मीन मैं इधर हार्डली रही हूँ, तो कोई आने, किसी का आने का तो सवाल ही नहीं उठता। आई थिंक हम बस यही बोलना चाहेंगे कि हमने बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है और बहुत प्यार से फिल्म बनाई है, सबके फैमिली की तरह ये यूनिट ने काम किया है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कोई भी कभी भी कोई लड़ाई नहीं, झगड़े नहीं, कुछ नहीं, और इतनी मेहनत आई थिंक किसी फिल्म में नहीं की होगी, हालांकि ये सब झूठ है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि थोड़े से पैसे हमें कमा देना, 16 जून को गेस्ट इन लंदन रिलीज हो रही है, बस थिएटर चले जाओ और हाँ, कुछ नहीं चाहिए। थिएटर में जाके देखो, हमारे मेहमान ने हमसे वैसे ही बहुत खर्चे करवा लिए, वो पूरे करने लोन चढ़ गए हमारे सिर पे। तो प्लीज जाके 16 जून को हमारी पिक्चर सिनेमा घरों में देखिएगा और अपने गेस्ट को अपने साथ लेकर जाइएगा।